अवर अभियंता द्वारा मारपीट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अवर अभियंता को स्थानांतरित करने के बाद पुनः स्थानांतरण स्थगित करने का विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ने विरोध किया। सोमवार को महदीपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने धरना दिया। अवर अभियंता के स्थानांतरण की मांग कर रहे संगठन के सदस्यों का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में संगठन के सदस्य और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अभी तो यह लड़ाई है, हर जोर जुम के चक्कर है, हर जोर जिंदाबाद, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा हो जाएगा। अनिल कुमार श्रीवास्तव क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, दिनांक 26 सितंबर की सायं 4:30 बजे श्री सुनील कुमार यादव और अभियंता सूरज कुंड अधिशासी अभियंता के कक्ष में घुसते हैं और मानदेय पे कार्यरत श्री अमरनाथ चौबे को अभद्र गालियों देते हैं और उनके ऊपर थप्पड़ मारते हैं और लात से प्रहार करते हैं। हमारी मांग है कि ऐसे अभियंता का निलंबन किया जाए और उसे जो है यहाँ से जो है सर्किल से बाहर किया जाए। इस बारे में हमारा धरना चला अधिशासी अभियंता के यहाँ, फिर अधीक्षण अभियंता के यहाँ हम लोग आए, अधिशासी अभियंता ने FIR कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जब अनुशंसा कर दी, हम सभी अधीक्षण अभियंता के यहाँ आए और वहाँ पे धरना दिए। अधीक्षण अभियंता ने एक टीम गठित की थी जिसके जो है निर्णय पे उन्होंने श्री सुनील कुमार यादव और अभियंता को जो है परीक्षण खंड में ट्रांसफ़र किया। हम लोग उसके बाद अपने धरने को उठा लिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो अब आगे कार्रवाई होगी, जो आएगी रिपोर्ट अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक दिन के बाद जब और अभियंता बैठते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, तो वो दहशत में आके, उनको उन्होंने चूड़ियाँ तक पहनाई, वो दहशत में आके अनर्गल बयान देते हैं कि श्री अमरनाथ चौबे हमारे संविदा पर कार्यरत नहीं थे। वो ये भूल गए कि जब संविदा पे जो भी कार्यरत होता है उसकी संस्तुति करके यहाँ से भेज दी जाती है और जब वहाँ से वो स्वीकृत होके आता है तो उसको पीछे से सारे जो है उसके मानदेय मिलते हैं। इस तरीके का अधीक्षण अभियंता का बयान डर के मारे दिया गया है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और आज हम मुख्य अभियंता के कार्यालय पर धरना दे के बैठे हैं। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा हमारा ये धरने का कार्यक्रम चलता रहेगा।